हेलो दोस्त, मैं हूँ रश्मि। आपका हमारे चैनल उमंग कुकिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सत्तू का पराठा बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर मैंने दो हरी मिर्च ली है, इसको मैं कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने प्याज को कद्दूकस कर लिया है और ये लहसुन को मैंने छील कर कट कर लिया। ये हरी मिर्च को भी मैंने कट कर लिया। यहाँ अदरक को मैंने कद्दूकस किया। इसको मैं सत्तू में प्याज और अदरक डाल दी हूँ। अब यहाँ पर मैं लहसुन भी डाल दे रही हूँ और ये हरी मिर्च भी डाल दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक चम्मच अजवाइन ली है, इसको मैं क्रश करके डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं एक चम्मच काला नमक डाल रही हूँ। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। यहाँ पर मैं एक चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं एक चम्मच खटाई पाउडर ली हूँ, इसको मैं रगड़ कर डाल दे रही हूँ। इसमें अब हम एक आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। इसमें हम स्वादानुसार सादा नमक डाल रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक चम्मच और तेल डाल दिया। कुल तेल मैंने यहाँ 3 चम्मच डाला है। अब सारी सामग्री को हम बढ़िया से मिला ले रहे हैं सत्तू में। ये पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गेहूं का 400 ग्राम आटा लिया। अब इसमें हम स्वादानुसार अब हम यहाँ पर मोम के लिए रिफाइंड ऑयल 20 ग्राम डालेंगे। अब रिफाइंड ऑयल को हम बढ़िया से मिला ले रहे हैं। आटे को सानने में मुझे 400 ग्राम पानी लगा है। अब इसको मैं गूंथ लेती हूँ इस तरीके से। ये मेरा आटा गूंथ कर तैयार हो गया है। अब इस आटे को मैं ढक कर 20 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ। ये 20 मिनट बाद मैं आटे को खोल रही हूँ। मैं सूखे आटे का इस्तेमाल करूँगी। अब हम पराठा बनाने के लिए लोई काट ले रहे हैं। पराठा बनाने के लिए मैंने सारी लोई कट कर ली है। मेरा इस तरीके से तैयार हो गया है। अब मैं इसमें सत्तू के मिश्रण को रख कर इसकी लोई को बंद करूँगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से करके ऐसे इसका बंद कर देंगे। यहाँ पर मैं इसको दूसरी लोई को भी ऐसे ही भरूंगी। ये हमारे दूसरे पराठे की भी लोई तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम इन सारी लोइयों को भरकर बनाएंगे। ये मैंने सारे सत्तू के पराठा की लोई बना ली है। अब इसको मैं बेलूंगी। अब इसको हम हल्के हाथ से धीरे धीरे करके इस तरीके से बेलेंगे। इसको ना हम बहुत मोटा बेल रहे हैं ना बहुत पतला, ये मीडियम साइज का है। ये इस तरीके से इसकी मोटाई। और अब हम इसको जो है सेकेंगे तवे पर डालकर। ये मेरा पराठा अब मैं सेकने के लिए तवे पर डाल रही हूँ।
साइड से हो गया, अब इसको हम पलट देते हैं और इधर अब हम तेल लगाएंगे। यहाँ पर मैं सरसों का ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग अपनी सुविधा अनुसार रिफाइंड ऑयल या देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने पलट दिया है, अब मैं दूसरी तरफ भी ऑयल लगा रही हूँ। और अब इसको मैं पलट दे रही हूँ। फिर मैं दूसरे पराठे को भी बेल रही हूँ। जैसे मैंने पहले पराठे को बेला था उसी तरीके से मैं दूसरे पराठे को बेल रही हूँ। इसको हल्के हाथ से ही हमें बेलना है। हो गया है ये मेरा पराठा सेक कर तैयार हो गया है। अब मैं अगले पराठे को सेकूंगी। जिस तरीके से मैंने पहले पराठे को सेका था उसी तरीके से मैं ये दूसरे पराठे को भी सेक रही हूँ। यहाँ पर मैं ऑयल लगा रही हूँ। ये एक साइड से हो गया, अब मैं दूसरे साइड से भी इसको सेक ले रही हूँ। ये मेरे सारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।